तो बवाल बढ़ा और जिनको रोकने के बाद बवाल बढ़ा वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद पराशर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप दोनों का बहुत स्वागत है। परमहंस दास तपस्वी जी आपके पास ही सबसे पहले आ रहे हैं, ये बताइए कि ताजमहल जब आप पहुंचे देखने के लिए तो आपको रोका गया, क्या कहा गया और आप ताजमहल गए क्यों थे? देखिए, ताजमहल लोगों के लिए होगा, हमारे लिए तेजो महल है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और इसको लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया था जी। तो हम वहां गए थे इसलिए कि अभी जिस तरह से हम लोग जो है काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को हम लोग देख रहे हैं कि उसका पीछे का जो साइट है वो बिल्कुल मंदिर का है, उसमें मंदिर का ही सारा प्रारूप देखने को मिलता है जो इस्लाम में हराम है जी। उसी तरह से हम वहां देखने गए थे, पहली बार हम गए थे कि वो तेजो महालय में वहां क्या क्या सनातन धर्म का वो है और क्या क्या छिपाया गया है। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हमें सिर्फ ये कहा गया कि आपका ये जो कलर है ना ये नो एंट्री है जी। हमने कहा ये तो भगवा है, इसको तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो शांति का प्रतीक है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ये पहन के नहीं जा सकते हैं और ये जो धर्म दंड लिए हैं इसको भी आप नहीं ले जा सकते हैं जी। तो हमने कहा अगर भगवा उतारना पड़े तो फिर मैं लौट जाता हूँ, फिर मैं जाना पसंद नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब यहाँ तक बात हुई थी कि मतलब आपके ज्यादा आपत्ति किस पे थी, आपके भगवा रंग पर थी कि धर्म दंड पर थी? धर्म दंड पर तो बाद में बात आई, पहले तो भगवा पर ही शुरू हुई है, भगवा पर ही नो एंट्री हो गई है जी। ठीक है, लेकिन परमहंस जी अभी वर्तमान में ये अपडेट है कि संतों को धर्म दंड के साथ जाने की अनुमति मिल गई है और भगवा वस्त्र वाले जा सकते हैं, तो मतलब आपकी जो लड़ाई थी यहां तक पहुंची है, आगे क्या सोच रहे हैं? अब जिस तरह से वहां के पुरातत्व विभाग के आरके जी ने कहा है कि परमहंस जी को उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको इनवाइट करते हैं और आप आइए मैं आपको विजिट कराऊंगा, तो 5 मई हमने डिसाइड किया है जी, 5 मई को मैं जाऊंगा। ठीक है, और अगर जाने देंगे तो ठीक है और अगर नहीं जाने देंगे तो फिर जैसा होगा वहां पहुंचने के बाद देखा जाएगा। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए।